तो पिछले लगभग 3 महीने से चैनल पे ना तो कोई वीडियो पब्लिश हुई थी और ना ही मैं एक्टिव था, क्योंकि तबीयत और एग्जाम हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते, ऑल्सो काम भी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते। बट एनीवे आज से आपको प्रॉपर वीडियो देखने मिलेगी चैनल पे एंड प्रॉपर एक्टिव रहूँगा मैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड आज की सारी वीडियो हम लोग ट्राई करने वाले हैं जेब्रॉन इसके जेब वॉरियर स्पीकर, जो ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्क स्पीकर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, तो फटाफट से मंगा लिए मैंने। इसकी जो MRP है वो 1249 है, बट आपको अंडर 600 मिल जाएंगे, प्लस इसमें आपको RGB देखने मिल जाएगी, तो समझ रहे हो ना, मतलब सेटअप एकदम चांदनी बार बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हेलो गाइस, माय नेम इज बैंग एंड वाचिंग टेक स्प्लिट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज कुछ इस टाइप का हमको यहाँ पे हमारा बॉक्स मिल जाता है, एंड ऊपर की तरफ इसका मॉडल नंबर मेंशन है, नीचे की तरफ इसकी कुछ हाईलाइट मेंशन कर रखी है, जैसे कि RGB हो गया, वॉल्यूम कंट्रोलर हो गया, ऑक्स एंड USB वगैरह, एंड साइड में अपने रेत भैया मस्त छपे हुए हैं, एंड पीछे की तरफ इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है, जैसे कि इसकी MRP हो गया एंड स्पीकर का आउटपुट वगैरह, वो सब कुछ पीछे मेंशन किया हुआ है। तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं एंड चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मैंने ऑलरेडी कर चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ी साउंड क्वालिटी है, वो मैं आपको अभी सैंपल में चेक कराऊंगा। तो फटाफट से पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, एंड कुछ इस टाइप के हमको यहाँ पे हमारे स्पीकर देखने मिल जाते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड में प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड देखने मिल जाती है, एंड नीचे की साइड हमको वॉल्यूम कंट्रोलर मिल जाता है जिससे हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, एंड आगे की साइड में हमको मेटल की पूरी स्क्रीन मिल जाती है, एंड उसके पीछे स्पीकर दे रखे हैं जिसमें RGB लाइट जलती है एंड ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ। दोनों स्पीकर में बिल्कुल सेम है, बस वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है दूसरे वाले में। तो फटाफट से इनको सेटअप करते हैं, साउंड क्वालिटी इसकी चेक करते हैं। बस सेटअप करने के बाद कुछ इस टाइप का इनका लुक निकल के आता है, एंड यार आप देख सकते हो RGB लाइट के साथ ये कितने ज़्यादा कूल लगते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको एक सैम्पल प्ले कर रहा हूँ गाने का, जिससे आप इसकी ऑडियो क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो, तो फटाफट से उसको प्ले करते हैं। तो गाइस ये थी इसकी साउंड क्वालिटी, बट मैं आपको एक और सैंपल के थ्रू इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराता हूँ, तो वो मैं प्ले करता हूँ एंड उसके बाद आप इसका प्रॉपर कंक्लूजन बताऊँगा मैं इस स्पीकर का। तो बेसिकली गाइज दोनों स्पीकर से हमको 5-5 वाट का आउटपुट देखने मिलता है, तो टोटल हमको 10 वाट का आउटपुट देखने मिल जाता है इन स्पीकर से। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो यार जिस प्राइस रेंज में ये स्पीकर आते हैं और उस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी साउंड क्वालिटी देते हैं ये, एंड आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो अगर आपका बजट अंडर 700 के अराउंड है तो। और हाँ गाइज ऐसी और रिव्यू वाली वीडियोस के लिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार, आपका एक लाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइज इतना ही था इस वाली वीडियो में, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी, एंड कमेंट करके बताना आपको ये स्पीकर कैसे लगे, एंड लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।